रेल मंत्री जो है, रेलवे मिनिस्टर है जो है, पीयूष गोयल जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ट्वीट अभी ये हुई है, 5 घंटे पहले ही ट्वीट हुआ है। अभी रेलवे में 90,000 से के स्थान पर 1,10,000 जॉब के ऑफर, आरपीएसएफ में 9,000 तथा L1 और L2 में 10,000 से अधिक पदों के लिए होगी भर्ती। ये जो न्यूज आई है पीयूष गोयल जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आई है, जिसमें बताया गया है कि जो 90,000 जो भर्तियाँ थी, 90,000 जो पोस्ट थी, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट के और टेक्नीशियन के जो 26,000 पद थे, 26,000 और कुछ पद थे, और जो ग्रुप डी के 62,000 और कुछ पद थे, इनको मिलाकर 90,000 के स्थान पर अब जो है 1,10,000 के जॉब के अवसर, मतलब वैकेंसी जिसमें बढ़ गई है, जिसमें आरपीएफ व आरपीएसएफ में जो है 9,000 तथा L1 व L2 में 10,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती होगी। ये तो बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है, लेकिन जो इसमें क्लेरिफिकेशन ये नहीं दिया गया है कि जो आरपीएफ और आरपीएससीएफ में 9,000 व L1 L2 में 10,000 से अधिक पदों की भर्ती होगी, और टोटल इसमें टोटल वैकेंसी जो बताई गई है 1,10,000 बताई गई है, लेकिन इसमें आरपीएफ और आरपीएससी में ही 9,000 बताई गई है, लेकिन L1 व L2 में क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। नीचे देख लीजिए, भारतीय रेल में भर्तियाँ और बढ़ी, आज ये जो है 1,90,000 की जगह अब 1,10,000 हो गई है। नीचे इसमें डिटेल दिखाई गई है कि 9,000 से अधिक रिक्तियां आरपीएफ और आरपीएससी में, और लेवल 1 और लेवल 2 में 10,000 से ज़्यादा नौकरियां, मोर देन 9,000 जॉब इन आरपीएम आरपीएसई, ओवर 10,000 एडिशनल जॉब इन लेवल 1 और लेवल 2। तो इसमें ये इंक्रीजमेंट हुआ है अभी 90,000 के स्थान पर 1,10,000 जो है वैकेंसीज है। वैकेंसीज अभी और आनी है, इस ग्रुप सी की वैकेंसीज भी 60,000 जो है वो पेंडिंग चल रही है। जैसे ही ये 90,000 की जो 1,10,000 की जो ये भर्तियां हैं, ये जो भर्ती कंप्लीट होती है, इसका जो प्रोसेस जैसे ही एग्ज़ाम होती है, वैसे ही जो ग्रुप सी की जो वैकेंसीज है 60,000 जिसमें टोटल पोस्ट बताई गई है, जो जिसमें ग्रुप जो टिकट कलेक्टर है, जैसे कमर्शियल अप्रेंटिस है, कलर की जो वैकेंसीज है, ये सब है, जो 1,10,000 की जो भी वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है, इसके कंप्लीट होने के बाद ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और जो ये संभावना जताई जा रही है कि जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम कब तक हो सकेगी, तो ये मई में बताया गया है, संभावना पॉसिबिलिटी है मई, लेकिन मई में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मई में रेलवे का ये जो इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, ये पॉसिबल नहीं होगी। तो मई में तो होगी नहीं, लेकिन जून या जुलाई में ज़रूर होगी। जून में भी वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो रेलवे के पास क्या है, शॉर्टेज काफ़ी है, बहुत बड़ा इंडिया का एकमात्र जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है रेलवे, पूरी तरह से जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है रेलवे ही है एकमात्र, तो रेलवे के पास शॉर्टेज काफ़ी है, तो इसलिए हो सकता है कि जून में ही करा दे, लेकिन मई में इसकी संभावना कम है कि मई में इसको पॉसिबल नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम कराना। Thanks for watching this video. Please like and share the video. For more videos, please subscribe to the channel.